बसमिल सब दोस्तों को ऑटो ट्रेडर पी के चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है आरडी डी ए सिक्स थ्री सिक्सटी व्यू तो आपने जो है देख लिया तो हम बात करेंगे इसकी इंटीरियर एक्सटीरियर पे और इसकी छोटी सी टेस्ट ड्राइव भी होंगी तो आज की वीडियो ज़रा लंबी होने वाली है क्योंकि काफ़ी जो है डिटेल में हम इसका रिव्यू करेंगे इसकी इंटीरियर का तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल आटो ट्रेडर पी के लाजमी सब्सक्राइब करें साथ में ये मैं बताता चलूँ कि ये गाड़ी जो है वो रिव्यू भी है और बेसिकली दिस इज़ फॉर सेल फॉर सेल गाड़ी है ये और इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है स्पेशल नंबर है ए एच डी जो है वो सिक्स आ डी सिक्स इसका स्पेशल नंबर है और ये आडी मेनटेन है इस्लामाबाद फुल मेनटेन है और जिस तरह पता है आपको कि ये वन पॉइंट एट टर्बोचार्ज इंजन इसमें आता है साथ में आप बेक एल ई डी लाइट्स देख सकते हैं थर्टी फाइव टी एफ एस आई तो ऑटो ट्रेडर हमारा लोगो साथ तो वो लाजमी लगा होगा और ये गाड़ी जो है वो आप इस्लामाबाद में देख सकते हैं इस्लामाबाद में अवेलेबल है तो अगर कोई दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हुआ तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और उन दोस्तों के लिए कि वो सिर्फ़ टाइम पास के लिए रबता करना चाहते हैं या कीमत के लिए तो वीडियो में कीमत देख ले आडी ए सिक्स ये मिड साइज सीडान हम इसे कह सकते हैं और इसे लग्जरी कार भी कह सकते हैं और लग्जरी सीडान कार भी कह सकते हैं और स्पोर्ट्स वर्जन भी कह सकते हैं ये एक मिक्स कंबीशन जो है वो आडी ने जो है इंट्रोड्यूस किया ये वाला शेप जो है वो 2011 से शुरू हुआ था अप टू सेवनटीन ये वाला मॉडल चला है सेवनटीन एटीन तक तो फिर इसमें डिफरेंट वेरिएंट है डीजल इंजन पेट्रोल इंजन फिर टी एफ एस आई थर्टी फाइव टू पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव जितना मतलब टर्बोचार जे जो है वो निकालती है तो वो डिफरेंट उसके ऑप्शन है तो उसमें नहीं जाना चाहते वो एक बहुत लंबा चौड़ा जो है वो किस्सा हो जाएगा तो स्पेसिफिकली इस गाड़ी पर आते हैं और आज हमने लोकेशन भी ज़रा चेंज की है कि व्यूअर्स को जो हम एक ही जगह पर वीडियोस बनाते हैं तो आज हमने सोचा कि किसी दूसरे लोकेशन पर वीडियो बनाई जाए और इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव भी ली और इसकी जो है वो फ्यूल कंजम्पशन विद इन ए सिटी तकरीबन ये जो है वो नौ से ग्यारह के दरमियान करती है और लॉन्ग ड्राइव पर अगर आप मोटरवे पर ये गाड़ी चलाए तो ये तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर के दरमियान जो है वो करती है बशर्त के ये कि आप किस स्पीड से जा रहे हैं ये एक चीज़ आप जहन में रखें क्योंकि मैं ये बताता चलूँ तो बहुत खूबसूरत बेक एलईडी लाइट्स है और साथ ही साथ इंजन की अगर बात की जाए तो 1.8 जो है वो टर्बोचार्ज इसका इंजन है और साथ ही फिर मैं बताता चलूँ कि ये ऑडी जो है वो आडी का कंपनी से मेंटेन है इस्लामाबाद जो इनका आडी का शोरूम है वहाँ से मेंटेन है इस्लामाबाद की ये गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड है टी एफ एस आई जो है इसका थ्री पॉइंट थर्टी फाइव है तो चलते हैं गाड़ी की अंदर और कीलेस इंट्री है और अगर आपके पास पॉकेट में हो तो मेरा की इंट्री है इसकी आप यहाँ से इंटर हो सकते है टू टोन ख़ूबसूरत जो है वो लेदर इंटीरियर है इसका ब्रोनो लेदर कलर की जो है वो इसके सीट्स है और साथ ही साथ जो है वो पर्दे है इसके बहुत खूबसूरत जो है वो फोर स्पोक जो है मल्टी मीडिया इलेक्ट्रिक एसेस जो है वो इसका स्टेरिंग है और इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ बहुत खूबसूरत टू टोन इंटीरियर के साथ और गाड़ी स्टार्ट करते हैं पुश स्टार्ट है और जिस तरह आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इन्फोसमेंट सिस्टम जो है वो ऊपर जो है वो फ्लिप हो जाता है उन दोस्तों के लिए जो फ़र्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो काइंडली जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और हैंड ब्रेक जो है वो यहाँ से जब आप ब्रेक पकड़ते हैं तो यहाँ से असिस्ट होता है मतलब आप हैंड ब्रेक लगा भी सकते हैं और साथ में जो इसको रिलीज़ भी कर सकते हैं तो बाकी बहुत सारे कंट्रोल जो है वो इन्फरटेनमेंट सिस्टम से आप कर सकते हैं ड्यूल एसी क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें मतलब लेफ्ट और राइट साइड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं उसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आप इसी इन्फेमेंट सिस्टम से जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कंट्रोल भी कर सकते हैं सनशेड जो है बेक जो शीशे पर है वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से मतलब फ्रंट से खोल भी सकते हैं और जो है बंद भी कर सकते हैं तो इसके साथ साथ जो है वो सनरूफ भी इस गाड़ी में आती है यहाँ से आप जो है वो बैक जो मिरर है उस पर जो सन शेड है वो आप ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं यहाँ से आप इसकी स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं ये लेफ्ट राइट जिस तरह मैंने बताया कि लेफ़्ट राइट आप कंट्रोल कर सकते हैं राइट साइड ड्राइवर के लिए कितनी मतलब आप ए की टम्परेचर रखना चाहते हैं या लेफ़्ट साइड पर कितना रखना चाहते हैं तो वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल इस गाड़ी की अगर कीमत की प्राइज़ की जाए तो थर्टीन पॉइंट फाइव मिलियन रुपीज़ हम इसकी डिमांड कर रहे हैं इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद में आप देख सकते हैं और सन रूफ़ की तरफ चलते हैं बहुत खूबसूरत सन रूफ है और क्योंकि ये मिड साइज़ सीजा सीडान कार है तो ये बाकी जो गाड़ियाँ है मतलब पाकिस्तानी हो गई या डिफरेंट डिफरेंट सारी कंपनी है बी है तो उसमें मतलब मिड साइज़ में ये काफ़ी बड़ी है और लग्जरी भी है तो इसे लग्जरी कार भी कह सकते हैं और स्पोर्ट्स कार भी इसको कह सकते हैं टिल्ट का ऑप्शन और साथ ही साथ जो है वो स्लाइड का जो है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली और ये तकरीबन चौबीस हज़ार पाँच सौ किलोमीटर जो है वो टोटल चली हुई है जैन माइलेज है साथ में फिर बताता चलूँ कि ये आडी कंपनी से मेंटेन है तो विनिटी मिरर इसमें जो है वो लाइट्स है आप यहाँ से मतलब लाइट ऑन ऑफ होता है यहाँ से तो बहुत ख़ूबसूरत जो है वो फोर स्पोक मल्टी मीडिया स्टेरिंग डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो क्रूज़ वग़ैरह के हो गए वो आप मल्टी मीडिया स्टेयरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं साथ में डैशबोर्ड पर जो है वो साथ ही साथ जब दरवाज़ों के हैंडल्स है तो उसमें वुडन पैनलिंग का काम हुआ है बहुत खूबसूरत पॉलिश हुई हुई है तो असल में ये जो है उन्होंने स्पोर्ट्स कार और सीडान कार और लग्जरी कार की एक कम्बिनेशन बनाई थी तो इस वजह से ये दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी इसमें डिफरेंट फेस अपलिफ्ट आए हैं डिफरेंट टाइम है टू में फिर 14 में फिर 17 में तो काफ़ी मतलब इसमें और फिर बहुत सारे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है इसमें डीजल ऑप्शन इंडिया में ज़्यादातर जो है वो डीजल जो है वो लोग पसंद करते हैं पाकिस्तान में जो है पेट्रोल वेरिएंट जो है इसका लोग पसंद करते हैं तो चलते हैं बैक सीट्स की और बैक साइड स्पेस भी आपको दिखाते हूँ तो काफ़ी मतलब इसमें स्पेस जो है अवेलेबल है सन शेड के लिए ये आप ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं क्रोम के हैंडल हो गए और ब्रानो कलर के जो है वो लेदर के साथ जो है डार्क लेकर का प्लास्टिक जो है इस्तेमाल हुआ है साथ ही साथ आप देख सकते हैं आम रेस्ट के लिए जगह और उसके साथ साथ जो है वो इसमें जो है वो फर्स्ट एड किट हो गया एड एड किट जो है इसमें आता है कंपनी आडी की तरफ से वो भी है और उसके साथ साथ जो है इसमें कप होल्डर भी है तो वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ इसमें कप होल्डर है आर्म रेस्ट भी हो गया साथ ही साथ जो है वो ड्यूल एसी है बैक साइड पर और वो यहाँ से आप जो है वो आपको नज़र आ रहा है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन जो है इसमें अवेलेबल है और काफ़ी स्पेस है मेरी हाइट तकरीबन अराउंड अबाउट सिक्स फीट है तो मैं अगर पीछे बैठ भी जाता हूँ तो फिर भी काफ़ी लेग स्पेस इसमें अवेलेबल है तो यहाँ से भी आप जो है वो एसी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं ट्वेल्व वाट की जो है वो चार्जिंग किट साथ में आ, सिगरेट लाइटर के लिए भी जगह बैक साइड पर भी अवेलेबल है तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि फ्रंट से आप जो है वो किसी को मांगे या किसी को कहें तो लेफ़्ट साइड से आते हैं बहुत खूबसूरत क्रोम कलर के जो है वो हैंडल है क्रोम और वाइट कलर और क्रोम कलर की कम्बिनेशन जो बहुत खूबसूरत जो है वो लुक दे रही है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि गाड़ी की डिटेल्स बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट शॉर्ट की है क्योंकि अगर फुल वीडियो मैं बनाता तो ये बीस पच्चीस मिनट की वीडियो हो जाती इसमें ग्रे कलर भी डिफरेंट ग्रे कलर की कम्बिनेशन भी आए है डिफरेंट ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आई है तो ये एसी पैनल बैक साइड के लिए एक तो वो दरमियान में बिल्कुल सेंटर में लगा है और एक जो है वो पिलर्स पर लगा है साथ ही साथ उसके साथ एस आर एस एयर बैग भी आ गए तो पिलर्स पे भी जो है इसमें एस आर एस एयर बैग आ रहे हैं और साथ में चारों दरवाजे भी मैंने आपको दिखा दिए साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ से सीट एडजस्ट कर सकते हैं सिक्स वे जो है इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं आगे लेफ्ट राइट तो मतलब डिफरेंट सिक्स टू एट वे जो है आप सीट इसको आगे पीछे कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली आपको देख सक देख सकते हैं मैं आ, आपको शो भी करा रहा हूँ कि अंदाज़ा हो जाएगा उन दोस्तों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है तो आ, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है कि सब चीज़ें ए टू जेड मैंने कोशिश की है कि वो आपको दिखा दूँ और इसकी डिमांड जो है एक करोड़ पैंतीस लाख रुपए जो है वो की जा रही है ये पर जो है ऑडी इस्लामाबाद के और उसके कार्ड वगैरह सब कुछ इसमें पड़े हुए हैं मैनुअल मैनुअल हो गया ऑडी का तो उसके साथ साथ जो है वो कार्ड्स और साथ में फिर से में बता की मैं बताता चलूँ कि ये मैंटेन गाड़ी है इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है ऑडी स्पेशल इस नंबर इसमें लगा हुआ है इस्लामाबाद का और ऑटोमेटिक है सेवन गियर जो है इसमें सेवन मतलब सात जो है वो गियर इसमें आ रहे हैं ऑटोमेटिक जो डिफरेंट ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आती है तो हर गाड़ी की अपनी है तो मैं इस वक्त गाड़ी की स्पेसिफिकली बात करूँगा यहाँ से दोबारा मतलब फिर बताता चलूँ कि यहाँ से भी आप इन्फोटेमेंट सिस्टम अगर गाड़ी बंद हो तो अब आ, आप कर सकते हैं यहाँ से हैंडल आ, स्टेरिंग वगैरह जो है एडजस्ट कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल भी है पार्किंग असिस्ट भी है और लाइन असिस्ट हो गया बाकी बहुत सारे जो है वो ऑप्शन इसमें अवेलेबल है दो एस बैग्स जो है वो पिलर पे भी आ रहे हैं आप देख सकते हैं पिलर पे भी एस आर एस बैग्स में आपको दिखाता चलूँ तो ये जो थी आज की वीडियो थी आर डी ए सिक्स टू थाउजेंड सिक्सटीन टू मॉडल है इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है रिव्यू भी थी टेस्ट ड्राइव भी हो गई और उसके साथ साथ जो है वो ये गाड़ी फॉर सेल भी है तो उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कांडी चैनल सब्सक्राइब कर दें और ये कप होल्डर हो गए आ, डिफरेंट आ, चीज़ें जो है वो मैं आपको जो है वो आगे जाकर दिखाता रहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें स्किप भी की है क्योंकि लंबी वीडियो ऑलरेडी बहुत तो लंबी हो गई तो उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय की होगी वीडियो और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और अगर कोई गलती हो गई हो या मैंने कोई गलती की है रिव्यू में तो बिल्कुल आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं हर कोई जो है वो फुल नहीं होता उसके फुल नॉलेज नहीं होती कहीं ना कहीं पर इंसान से गलती भी हो जाती है तो ड्रोन व्यू भी देख ले ऊपर से किस तरह दिखती है आर डी एस सिक्स और स्टार्टिंग में भी आपने जो है वो इसकी डिफरेंट सनेटिक्स शॉट देखी थी तो एंड में मैंने सोचा आपके साथ इसकी कुछ ड्राॅिंग के सैनमेटिक साथ शेयर की जाए तो ये रही आज की वीडियो बहुत शुक्रिया दुआओं में याद रखें हाफिज़